हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद लिमिट 0 to π/2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसमें 0 to a की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो जो साइन स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। और नीचे आपके पास साइन एक्स की जगह कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा। तो उसके बाद हम अगर इनको और उस वाली इक्वेशन में नई इक्वेशन में ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी। तो इसमें मैं 0 से 1 की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। सबसे पहले 0 to a की प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होती है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी π/2। तो जहाँ भी x है वहाँ पर क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स आ जाएगा हमारी इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन π/2 माइनस एक्स प्लस का कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है जी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स 0 to π/2। अब जो मैं आपको बात बोल रहा था कि इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट करेंगे और ऐड कर देंगे। नीचे बेस सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, लिमिट भी सेम है, इंटीग्रेशन ऐड हो सकता है। तो 1 + 2 करेंगे तो आएगा 2i। 2i कैसे आया, i + i इज इक्वल टू 2i। अब इज इक्वल टू यहाँ पे 0 to π/2, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 बन गया। अब 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे साइन सॉरी ये हो गया 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, साइन में या कॉस में। अगर मान लो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस के साथ साइन आना चाहिए। तो मैं कॉस में पहले यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन एक्स में 1/√2 से मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे बाहर रूट टू से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है जी। ये भी कैसे बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2i इज इक्वल टू 1/√2 0 से π/2, यहाँ पे 1 अपॉन में आप कॉस एक्स के साथ इसको लिखोगे साइन π/4, है ना। और साइन एक्स के साथ इस वाले 1/√2 को लिखोगे कॉस π/4। तो नीचे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, मतलब 1 अपॉन में आ गया साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस π/4। ठीक है जी। 0 से π/2 1/√2 इज इक्वल टू 2i। अब 1 अपॉन में साइन बन गया हमारा कॉस एक्स प्लस π/4 0 से π/2 1/√2 2i। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग मोड में कॉसेक एक्स प्लस π/4 माइनस का कॉट एक्स प्लस π/4। ठीक है जी। और यहाँ पे 0 से π/2। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, यहाँ पे हम लोग π/2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/√2। जब यहाँ पे हम π/2 पुट करेंगे तो आएगा पहले ब्रैकेट में cos log of cos x π/2 प्लस का π/4 माइनस का cot π/2 प्लस का π/4। ठीक है जी। पहले मोड में तो ये आ गया। अब इसमें हमें माइनस करना है लॉग 0 पुट करके, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉसेक π/4 माइनस का कॉट π/4। ठीक है जी। तो अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा 2i इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे लॉग कॉसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा
ये sec पाई बाई फोर हो जाएगा, पॉजिटिव होता है हमारा सेकेंड क्वारेंट में जो cosec होता है माइनस का, 90 प्लस थीटा कॉट हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सेकेंड क्वारेंट में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा tan पाई बाई फोर और चेंज भी होना है ठीक है ना। और माइनस का log cosec 45 की वैल्यू हो गई रूट टू, cot 45 की वैल्यू हो गई वन ठीक है जी। तो 2i इज इक्वल टू आ गया वन बाई रूट टू, यहाँ पे log sec 45 की वैल्यू रूट टू और tan 45 की वैल्यू वन, तो log a माइनस log b log a अपॉन में भी, तो यहाँ पे आएगा रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन, ये आ गया। अब अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइज कराएंगे, तो आएगा रूट टू प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में, नीचे इसका रेशनलाइज कराएंगे रूट टू प्लस वन से तो क्या आएगा वन आ जाएगा, तो आ गया लॉग रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर वन बाय रूट टू, यहाँ पे टू आई। अब लॉग ए की पावर बी क्या होगा, लॉग ए की पावर बी हमारा हो जाएगा बी इंटू में लॉग ए, तो आएगा टू लॉग रूट टू प्लस वन और यहाँ पे वन अपॉन में रूट टू और यहाँ पे टू आई इज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल आउट देन आई इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन में रूट टू और लॉग रूट टू प्लस वन, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया।